नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को भव्य और गरिमामय बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने अमृत महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम की रियल टाइम रिहर्सल 13 अगस्त को आयोजित की। आपको बता दें कि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 75 समूहों का चुनाव किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने अमृत महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है और इस भव्य कार्यक्रम की रियल टाइम रिहर्सल 13 अगस्त को आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 75 समूहों का चुनाव किया गया है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सागर, जिस तरह से 13 अगस्त से रियल टाइम रिहर्सल की शुरुआत की जाएगी और काफी उत्साह के साथ ये आयोजन किया जा रहा है, इस बार का 15 अगस्त मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां और देखने को मिल रही हैं प्रदेश में? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो 75वां वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश इसे मना रहा है और काफी खुशी की बात है। मन में जहन में है जो एक भारतीय, सच्चा भारतीय। दूसरी बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में काफी खासी तैयारी की गई है। राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी सभागार में, राज्य सचिवालय के सभागार में झंडारोहण करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से एकदम सख्त है और प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, डीजीपी कार्यालय ने आदेश जारी किया कि जो भी अगर व्यक्ति झंडा का अपमान करेगा तो उसे तकरीबन 3 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों ही झेलने पड़ेंगे। और दूसरी बात बता दूं कि मंडलायुक्त रोशन जाकर हैं और साथ ही जिलाधिकारी ने आज यहाँ पर बैठक की है, सभागार में बैठक की है, काफी कुछ तैयारियों के बारे में जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दूं कि जीएसटी लॉ एंड ऑर्डर है पीयूष मौर्या, उन्होंने भी विधानसभा के बाहर जाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो कुल मिलाकर प्रशासन से लेकर शासन पूरी तरह से अलर्ट है और फिर बेहतर रूप, बेहतर यादगार पल बिताने के लिए सबके सामने समक्ष रख रहा है। जी सागर, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ कई जो पार्टियां हैं वो भी अपने स्तर पर इस आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं कहीं कहीं पे सफाई अभियान भी देखने को मिल रहा है। काफी अलग तरीके से इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बार जो तिरंगे में रंगा हुआ देश नजर आएगा, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से और ये अलग होने वाला है हर बार से? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ पर एक सफाई अभियान आज चलाया गया और वहाँ पे झंडारोहण किया गया, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट दिखी। और दूसरी बात बता दूं कि जो प्रशासन है वहाँ पे वो भी पूरी तरह से अलर्ट दिखा। और खास बात इस बात यह है कि हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है सरकार ने, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से 13 तारीख से हर घर तिरंगा बांटा जाएगा और हर घर एक अपील की जाएगी कि अपने घर से तिरंगा लगाइए। साथ ही बीजेपी के अलावा भी जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस अमृत महोत्सव का लुत्फ उठा रही है। साथ वो भी एक अमृत महोत्सव को बहुत ही बेहतर तरीके से देख रही, तो उनको भी लगता है कि कहना कि आजादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हर व्यक्ति का योगदान है, हर स्त्री का योगदान है, कितने आजादी में अपनी सहभागिता। जी, इस आजादी के अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रम तो आयोजित किए गए हैं और इस बार भव्य भी बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से, लेकिन सुरक्षा की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अमृत महोत्सव के तहत हर कोई उत्साहित है इस बार आजादी का पर्व मनाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अन्य तैयारियां, क्योंकि हर बार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन इस बार अगर अन्य तैयारियों की बात करी जाए तो वो क्या कुछ रहेंगी? देखिए आपको बता दूं कि हाल ही में आजमगढ़ से एक एटीएस ने आजमगढ़ से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर उसने उससे काफी एटीएस को और तमाम जांच एजेंसियों को काफी इनपुट भी मिले थे। तो उसका एक साफ साफ मकसद था कि वो तिरंगा जो यात्रा है उसको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, जिसको एटीएस और सरकार की जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से विफल कर दिया। और आपको बता दूं कि लखनऊ विधानसभा के पास ऐसी तैयारियां जो शायद अब तक नहीं दिखी, काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और यहाँ पर हर पुलिस का बड़ा आला अधिकारी, डीजीपी से लेकर कमिश्नर तक से लेकर हर वो व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है,
क्योंकि जिसके भरोसे सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा है। और साथ ही आपको बता दूं कि कमिश्नर ऑफ लखनऊ लगातार भ्रमण कर रहे, हर उस इलाके का निरीक्षण कर रहे जहाँ पे कुछ लोग संदिग्ध पाए जाते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि आपको डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अभी कुछ ही देर पहले धारा 144 लगवाई है, जो कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि कोई भी अराजक तत्व तिरंगे या तिरंगा यात्रा से खिलवाड़ ना कर पाए, उसकी जो यात्रा निकली है जो 75वां अमृत महोत्सव है उसमें कोई बाधा ना डाल पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता सागर थापा जुड़े थे। बुलंदशहर के शिकारपुर में राधा रानी हॉस्पिटल पर नवजात शिशु के परिजनों ने लापरवाही बरतने और नवजात शिशु की जान लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने महिला के साथ मारपीट की और डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाना पुलिस से की है। अवैध अस्पताल अब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे, इलाज में लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई है, साथ ही मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। हमारी बहू याचिका आई है, याचिका बोली कि ब्लड चढ़ेगा, हमने पैसा जमा करे 10,000 रुपये पहले करे हमें जमा, जब ब्लड चढ़ो उसके वहाँ मेरी गंभीर हालत, इन्होंने ये ना कही हमसे कैसा ले जाओ अपनी बहू को, यकी हालत ज़्यादा खराब हो रही है, आज के नॉर्मल हो जाओ नॉर्मल, पूरी रात हम चक्कर में रखे हमने, और पूरा दिन हमें 2 बजे बोले कि ऑपरेशन होगा इसका, और जब नॉर्मल में जो डिलीवरी होने जा रही जो ऑपरेशन होएगा, हम बोले हमें चाहिए जच्चा बच्चा दोनों, क्या पैसा जमा करो, मैंने पैसा जमा करे इसको 30,000 रुपये जमा करो मैंने, यहाँ जी डॉक्टर को, डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के, लेकिन मेरे को दोनों चाहिए जच्चा और बच्चा दोनों चाहिए। लड़के की घरवाली के लिए डिलीवरी तो लेके आए थे, उसके दर्द था और उसको दिखाने के लेके आए थे, दिखाने पे लाने पे डॉक्टर साहब बोले कि जिसके पानी और ब्लड की कमी है, डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये दिए, बोले कि पानी और ब्लड की कमी है, इन्होंने वो पूरी करी, हम बोले कि घर ले जा रहे हैं, इन्होंने रोक लिया उसको, नहीं जान दिया घर। इसी प्रकरण में कागज चेक किए गए तो कागज इनके बारे में प्राप्त नहीं हो पाए, इसी उससे इनका OT सील कर दिया गया है, ठीक है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में कागज पूरे कर लेंगे, अगर कागज पूरे कर लेते तो सही बात है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवजात शिशु की मौत हुई उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में हमारे पास कोई अभी कोई लिखित में हमारे पास कोई नवजात शिशु की मौत का मामला है, जहां अस्पताल में लापरवाही बरती गई है, पीड़ितों ने अस्पताल पे कई आरोप लगाए हैं। इस खबर पे मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लगाते हुए पीड़ित नजर आ रहे हैं, अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही करी गई है, क्योंकि हमने जितने भी बयान सुने उसमें सभी अस्पताल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जैसे शनिवार को तो अस्पताल में आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही का बरतने का, जो मृत्यु नवजात शिशु की जो मृत्यु डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही बरती गई है, और कहीं ना कहीं और देखा जाए कि जहां जो अस्पताल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है। जी, तो इनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और लापरवाही भी बरती गई है, इस मामले की शिकायत क्या पुलिस से की गई है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? पुलिस इसमें कार्रवाई के आश्वासन दिया है परिजनों द्वारा, और जहां और सीएमओ को आदेश दिए गए हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी, अगर अवैध अस्पतालों की बात करी जाए तो क्या इस तरीके से और भी अस्पताल है जो संचालित हो रहे जिले में और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो बिगर रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीएमओ की लापरवाही भी बरती जा रही है, अल्ट्रासाउंड हो या लैब हो और अस्पताल हो, ये बिना रजिस्ट्रेशन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जी, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करी जाए अवैध तरीके से अस्पताल चलाने की तो किस तरह से चल रहे हैं और इस पे किसी की नजर नहीं जा रही है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? विशाल, मैं आपको बता दूं, इसमें लापरवाही एसीएमओ और सीएमओ की लापरवाही बढ़ती जाती है, जब मीडिया के सामने कोई मामला आता है तो उसमें खानापूर्ति दिखाई जाती है, 2 या 3 दिन के लिए सील कर दिया जाता है, और मोटी रकम लेते हुए उसको उसकी अस्पताल की सीलें खोलने के बाद उसको संचालित कर दिया जाता है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल कुमार जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। औरैया के अछवेलदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर न्यायालय के आदेश के बाद अवैध शराब को डिस्पोज किया गया है। इससे पहले भी एक बार न्यायालय के आदेश से करोड़ों की ब्रांडेड शराब को नष्ट किया गया था। आपको बता दें कि डिस्पोज की गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। 10 अगस्त 2022 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार थाना छंडा में आबकारी अधिनियम के 59 पुराने अभियोगों में 320 लीटर शराब जिसकी अनुमानित कीमत 1,04,000 रुपये को जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके नष्ट किया गया है। नष्ट किया गया है। अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी और उसका व्यापार भी किया जा रहा था, तो शराब के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। लाखों की शराब को नष्ट किया गया है। नष्ट करने की कार्रवाई को आप देख सकते हैं, जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर उसमें लाखों की शराब को डालकर नष्ट किया गया है। प्रशासन की मुहिम चल रही है जहां अवैध शराब को नष्ट किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अछवेलदा थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया है जहां न्यायालय के आदेश के बाद अवैध शराब को डिस्पोज किया गया है और इससे पहले भी न्यायालय के आदेश से करोड़ों की ब्रांडेड शराब को नष्ट किया गया है। डिस्पोज की गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। तो लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कई ब्रांडेड शराब को नष्ट किया गया गड्ढा खुदवाकर। लगातार एक्शन जारी है प्रशासन का और लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जहां अवैध तरीके से शराब का कारोबार किया जाता है और आबकारी विभाग इस पे एक्शन भी लेता हुआ नजर आता है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। औरैया से ये खबर सामने आई है, लाखों की शराब को नष्ट किया गया है। अछवेलदा जनपद औरैया से ये खबर सामने आई है जहां पे पुलिस द्वारा ये जानकारी भी दी गई है कि अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा था जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। और इसी तरह से जहां पे भी जहरीली या फिर अवैध तरीके से प्राप्त शराब मिलती है तो उसे नष्ट किया जाता है, नष्ट करने की कार्रवाई करी जाती है। शराब माफियाओं के खिलाफ भी लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है औरैया के अछवेलदा थाना क्षेत्र में, जहां अवैध तरीके से चल रही शराब की दुकान के ऊपर कार्रवाई की गई है। शराब के खिलाफ प्रशासन की मुहिम चली है और शराब के खिलाफ इस मुहिम में लाखों की शराब को नष्ट किया गया है। जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है, जहरीली शराब बेची जाती है, शराब माफियाओं पर लगातार शासन प्रशासन अपना शिकंजा कसते हुए नजर आती हैं, तो वहीं एक बार फिर न्यायालय के आदेश से करोड़ों की ब्रांडेड शराब को नष्ट कर दिया गया है, डिस्पोज की गई है। और औरैया से इस खबर पर हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, जिस तरह से ये न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है, कितने कीमत बताई जा रही है इन शराब की, क्योंकि कई ब्रांडेड शराब भी देखने को मिल रही है तस्वीरों में। आपको बता दूं कि औरैया जनपद के अछवेलदा का ये पूरा मामला है जहां पर न्यायालय के आदेश पर शराब नष्ट की गई है, जहां पर पुलिस अधीक्षक चार्ल्स जोसेफ के निर्देश पर अछवेलदा पुलिस ने लाखों की शराब, कई ब्रांडेड शराब थी इसमें, तो गड्ढा खोदकर दफन कराया गया है। जी, अगर शराब माफियाओं की बात करी जाए तो उनके ऊपर किस तरह से पुलिस प्रशासन आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है आजकल? आबकारी विभाग, अगर बात की जाए, आबकारी विभाग बराबर नजर बनाए हुए है, बराबर दबिश दे रहे हैं और पुलिस द्वारा भी उनका सहयोग पूरा किया जाता है, आबकारी टीम बराबर दबिश दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। और आइए, हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़े थे इस खबर पे।
रुक करते अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद पुलिस लाइन के सामने हाईवे पर भोजन की थाली हाथ में थामे एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। वीडियो में सिपाही मेस के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि वो दो दिनों से भूखा है लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी जानकारी प्रतिसार निरीक्षक को हुई तो तत्काल फोर्स भेजकर सिपाही को पुलिस लाइन लाया गया। SSP ने मामले की जाँच CO लाइन हीरा लाल कनौजिया को सौंपी है। वहीं सिपाही हाईवे के डिवाइडर पर बैठकर थाली से रोटी उठाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगा है। वहीं लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से खाने की थाली हाथ में लिए हुए पुलिसकर्मी सवाल कर रहा है, मैं इसके खाने पर सवाल कर रहा है कि क्या इस तरीके का खाना खाया जा सकता है। खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। भोजन की थाली लेकर सड़क पर सिपाही बैठा लोगों के बीच जाकर रोटी की गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आया है। जब ये मामला मुख्य अधिकारियों तक पहुंचा तो उसे बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रोता हुआ नजर आ रहा है ये सिपाही। और फिरोजाबाद से इस खबर में हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये जो मामला है ये पुलिस लाइन में ये आरक्षी मनोज है जो तैनात है। जब ये कल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद जब मैस से खाना लेने गया तो इसका आरोप ये है कि जो दाल थी दाल में पानी मिला हुआ था और खाने की गुणवत्ता ऐसी थी कि उसको शायद जानवर भी न खाएं। उसको लेकर ये शब्द हो गया। शब्द होने के बाद ये रोड पे बैठ गया। इसने लोगों को चिल्ला के लोगों को बताने की कोशिश की और उसका ये कहना था कि मैंने अपने उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत पहले की है। उसने कहा मैंने अपने प्रतिसार निरीक्षक RI से पहले भी शिकायत की थी तो RI ने ये कहा कि अगर तुम इस तरीके की शिकायत करोगे तो तुम्हें मैं बर्खास्त करवा दूंगा। उच्चाधिकारी इसको लगातार धमकी दे रहे हैं। जी, तो जिस तरह से धमकी दी जा रही थी तो उसके बाद इस सिपाही ने ये कदम उठाया है, जनता के बीच जाकर खाने की गुणवत्ता दिखाई है। तो अब इसके बाद क्या एक्शन लिया गया है? क्या अभी भी इस सिपाही को उसके कार्य पर नियुक्त किया हुआ है या बर्खास्त कर दिया गया है? क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, वहाँ के जो पुलिस कप्तान है आशीष तिवारी, उन्होंने एक्शन ये लिया है कि मैच के लिए एक टीम गठित की है। टीम गठित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्राधिकारी हैं, जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं, वो प्रत्येक दिन जाएंगे अलग अलग क्षेत्राधिकारी एक एक दिन मैच का मुआयना करेंगे सुबह और शाम को। अगर कोई क्षेत्राधिकारी किसी कार्य से जिले के बाहर होता है तो जो उसी का जो दूसरा कलीग्स है वो जाके चेक करेगा मैच को। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि कल जो है आरक्षी के खिलाफ एक संक्षिप्त विवरण ट्विटर पे यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया जिसमें 15 पॉइंट रखे गए। 15 पॉइंटों में उसको गैरहाजिर दिखाया गया, जिसमें दो पॉइंट थे 12 और 13। उसमें उसको LWP दिखाया गया और दिनांक 14/11/2022 को वो LWP हो गया। आप सोचिए 14/11/2022 अभी तक आई नहीं है, अगस्त का महीना चल रहा है ये, और LWP वो पहले ही हो गया 2011, मतलब 11वें महीने में हो गया। मतलब ये भविष्य वक्ता है क्या? जी, तो जिस तरह से मामला सामने आया है, एक व्यक्ति का हक है कि उसे अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, और इसकी आवाज उठाने की उसने कोशिश करी तो उसे धमका भी दिया जा रहा है। तो क्या यही वजह है कि खराब गुणवत्ता वाला खाना खाने के लिए सिपाही मजबूर है और वो आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी नौकरी पर खतरा मंडराता है? देखिए, यूपी पुलिस में सिपाहियों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। 16-16, 18-18 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद ना तो उन्हें छुट्टी मिलती है, समय से वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। इसी कारण से आप देखिएगा सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले विभागों में यूपी पुलिस नंबर वन आता है। तो ये जो अधिकारी हैं ये कभी भी आवाज उठाने नहीं देते हैं और इसी का कारण ये है कि जो गोलमाल है वही गोलमाल है, जो चल रहा है सो चल रहा है। जी, तो संजीव, अब आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर ये इतनी बड़ी बात है, इसको उच्चाधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और लेते हुए कम से कम एक आरक्षी को कम से कम अच्छा खाना तो मुहैया कराइए। आप वो 16-16 घंटे 18-18 घंटे जनता की सेवा कर रहा है, उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे स्वस्थ रह पाएगा? जी संजीव, जिस तरह से इस सिपाही को धमकी मिली थी, क्या लगता है क्या ज्यादा समय तक इसकी जो कार्य है और जो ये इसकी पोस्ट है वो सलामत रहेगी या फिर इसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, फिरोजाबाद पुलिस ने कल रात को ही इसके खिलाफ अनियमितताएं की 15 पॉइंटों की एक सूची जारी कर दी है और इसकी जांच जो CO पुलिस लाइन है हीरालाल कन्नौजिया उनको दी गई है
और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये जो है ये मानसिक रूप से बीमार है, ये जो आरक्षी है ये कल अपनी पत्नी से भी लड़के आया था और मैस वालों से भी लड़के आया था। तो देखिए जो अधिकारी हैं, अधिकारी अधिकारी का बचाव करेगा, आरक्षी के सपोर्ट में कोई आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरों में खाना दिख रहा है, खाने की गुणवत्ता है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? अगर इस व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार भी अगर बता दिया जा रहा है, लेकिन इस भोजन का क्या? देखिए भोजन की स्थिति, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुलिस की मैस की जो भोजन की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार है। अगर हम और आपसे खाने के लिए कहा जाए तो हम और आप भी उस खाने को खा नहीं पाएंगे, बहुत बुरी स्थिति है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से, संवाददाता। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस खाने की गुणवत्ता है, और इसी के ऊपर सवाल खड़ा करता हुआ ये सिपाही नजर आ रहा है, हालांकि सारा इल्जाम उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।